नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 7 पी ब्लॉक के तत्व का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्ववर्ती भाग में हमने वर्ग संख्या 15 अर्थात निकोजेंस में नाइट्रोजन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन किया था। हमने देखा कि डाइनाइट्रोजन, अमोनिया तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का विरचन हम किस प्रकार से कर सकते हैं तथा उनके क्या क्या उपयोग हैं। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे कि फास्फोरस तथा उसके यौगिकों के बारे में। आइए हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करें। नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल किन्हें कहा जाता है? देखिए, साधारण सी परिभाषा है कि H+ आयन जब निकलता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। ऑक्सो अम्ल का अर्थ ये है कि हमारा वह H+ आयन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वहाँ से निकलना चाहिए, तथा वह OH हमारा नाइट्रोजन से अटैच होगा तो उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल। नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है H2N2O2, जिसे हाइपोनाइट्रस अम्ल कहा जाता है। दूसरा है HNO2, जिसे नाइट्रस अम्ल कहते हैं, तथा तीसरा है HNO3, जिसे नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। हम हमारे इस अध्याय में HNO3 के बारे में अध्ययन करेंगे। HNO3 को किस प्रकार से बनाया जाता है? प्रयोगशाला में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए कांच के एक रिटोर्ट में सांद्र H2SO4 तथा NaNO2 या KNO3 को गर्म किया जाता है, जिससे हमें HNO3 प्राप्त हो जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा अमोनिया के उत्प्रेरण ऑक्सीकरण पर इसका निर्माण किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि अमोनिया की क्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन से करवाई जाती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे हमारे पास में NO बनता है। बनने वाले NO की क्रिया फिर से ऑक्सीजन से करवाई जाती है, जिससे NO2 हमें प्राप्त होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निर्मित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में घोलने से हमें HNO3 प्राप्त हो जाता है तथा NO प्राप्त होती है। यह NO फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 में परिवर्तित हो जाती है, तथा इस प्रकार हम इस NO को बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। जलीय HNO3 को आसवन द्वारा लगभग 68% द्रव्यमान तक सांद्रित कर लिया जाता है, अर्थात इसकी सांद्रता कितनी होती है, 68%। 68% HNO3 उपस्थित होगा तथा बाकी की मात्रा जल की होती है। अगर इसे और अधिक सांद्रित करना हो तो इसका सांद्रण H2SO4 द्वारा किया जाता है। H2SO4 से सांद्रित करने पर यह लगभग 98% तक सांद्रित हो जाता है। HNO3 के गुणधर्म, यह एक रंगहीन द्रव है जिसका हिमांक 231.4 केल्विन तथा कतनांक 355.6 केल्विन होता है। प्रयोगशाला में जो HNO3 हम काम में लेते हैं उसकी सांद्रता लगभग 68% होती है, तथा इसका विशिष्ट घनत्व 1.504 होता है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना समतलीय होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक दूसरी ऑक्सीजन से जुड़ा है, दूसरी तरफ वह ऑक्सीजन से जुड़ा है और यह ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ी होती है। देखिए, यहाँ पर यह हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में बाहर निकलती है। ये OH समूह है, ये पूरा OH समूह नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होने के कारण इन्हें हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और नाइट्रेट आयन देता है। H+ आयन बनेंगे और नाइट्रेट आयन इसके जलीय विलयन में उपस्थित होते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। यह नाइट्रोजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। अब नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है,
इस स्थिति में यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण ही कर सकता है। जब यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो इसका अपचयन हो जाता है, फलस्वरूप यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। यह सोना, प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर अधिकतर धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीकरण के उत्पाद किस पर निर्भर करेंगे? कि हमारा जो अम्ल है वो तनु है या सांद्र है, ताप पर निर्भर करते हैं तथा ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये दो अभिक्रियाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इनके ऊपर अक्सर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ अभिक्रिया करवा रहे हैं कॉपर के साथ में तथा जिंक के साथ में। हमारे पास दो स्थितियाँ हैं, तनु अम्ल है तथा सांद्र अम्ल है। कॉपर जो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है तथा जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित होता है। जब हम कॉपर की क्रिया तनु HNO3 के साथ में करवाते हैं तो हमें कॉपर के नाइट्रेट प्राप्त होते हैं तथा NO बनता है, जबकि सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करवाने पर NO2 की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जब जिंक की क्रिया तनु अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो हमें N2O प्राप्त होता है, जबकि सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करवाने पर हमें NO2 प्राप्त होता है। इन दोनों अभिक्रियाओं में यहाँ देखिए, जब कॉपर की क्रिया या जिंक की क्रिया हम सांद्र HNO3 के साथ में करवाते हैं तो हमारे पास दोनों ही क्रियाओं में NO2 प्राप्त होता है, जबकि तनु अम्ल के साथ क्रिया करवाने पर कॉपर के साथ में हमें NO प्राप्त होता है तथा जिंक के साथ में हमें N2O प्राप्त होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उत्पाद है वो किस पर निर्भर करते हैं? अम्ल की सांद्रता पर, ताप पर तथा जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है उसकी प्रकृति पर। कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही ये क्रिया प्रारंभ होती है इन धातुओं की सतह पर एक ऑक्साइड की रक्षक परत बन जाती है जो आगे इन धातुओं को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने से रोक देती है। नाइट्रिक अम्ल अधातुओं के साथ में क्रिया करके उत्पाद बनाता है, जैसे आयोडीन से क्रिया करके क्या बनेगा? HIO3 बनेगा तथा NO2 गैस बाहर निकलती है। देखिए, यहाँ जब भी हमारा HNO3 अधातुओं के साथ में क्रिया कर रहा है हर बार हमें NO2 गैस की प्राप्ति हो रही है। कार्बन के साथ क्रिया करने पर यह उसे CO2 में बदल देगा, सल्फर के साथ क्रिया करने पर H2SO4 बनता है, फास्फोरस के साथ क्रिया करने पर H3PO4 की प्राप्ति होती है। भूरी वलय परीक्षण, जिसे ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहा जाता है, इस परीक्षण का उपयोग हम Fe2+ आयनों के उपस्थिति को जांचने के लिए करते हैं। इस परीक्षण का उपयोग हम नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति को जांचने के लिए भी कर सकते हैं। नाइट्रेटों के लिए यह परीक्षण Fe2+ आयनों की नाइट्रेटों को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो Fe2+ से अभिक्रिया कर भूरे रंग का एक संकुल बना लेता है। यह परीक्षण सामान्यतः नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में तनु फेरस सल्फेट विलयन मिलाने के पश्चात परख नली की दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 मिलाकर किया जाता है। विलयन तथा H2SO4 के अंतरापृष्ठ पर एक भूरे रंग की वलय का बनना विलयन में नाइट्रेट आयन की उपस्थिति का संकेत देता है। जहाँ पर देखिए हमारे दोनों विलयन मिलते हैं उस सतह पर एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। वह रिंग इस संकुल के निर्माण के कारण बनती है। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, नाइट्रिक अम्ल का मुख्यतः उपयोग फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में, आतिशबाजी बनाने में होता है। इसका उपयोग ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन
ट्राइनाइट्रोटोलुइन जिसे टीएनटी भी कहा जाता है और अन्य कार्बनिक नाइट्रो यौगिकों के विरचन में भी किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार, धातुओं के निक्षारण और रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। फास्फोरस, फास्फोरस रॉक के रूप में मिलता है, यानी कि फास्फोरस की चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं जिनमें खनिज हाइड्रोक्सी एपेटाइट और फ्लोर एपेटाइट होते हैं। यह हड्डियों और जीवित कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है। फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट, कॉक और रेत को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब हम भट्टी में कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिका तथा कॉक को गर्म करते हैं तो हमें P4 अर्थात फास्फोरस के अणु प्राप्त हो जाते हैं। फास्फोरस के अपर रूप, जैसा कि हम जानते हैं कि अपर रूप वे यौगिक होते हैं जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण एक समान होते हैं, उन्हें अपर रूप कहा जाता है। फास्फोरस सामान्यतः इन अपर रूपों में हमें प्राप्त होता है जिन्हें हम सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस तथा काला फास्फोरस कहते हैं। सफ़ेद फास्फोरस, यह गैसीय या तरल अवस्थाओं के संघनन द्वारा बनता है। यह एक मोम जैसा ठोस, पानी में अघुलनशील लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन में अत्यधिक घुलनशील होता है। अंधेरे में यह चमकता है, एक दीप्ति देता है जिसे रसो संदीप्ति भी कहा जाता है। जब अंधेरे में हम इसे रख देते हैं तो हमें यह चमकता हुआ नजर आता है। यह विविक्त चतुष्फलकीय P4 अणुओं से बना होता है। इसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। यह अत्यधिक विषैली प्रकृति का होता है। P4 अणुओं में कोणीय तनाव बहुत अधिक होता है। देखिए, जो इसका ये P4 अणु है, यहाँ हमारे पास जो कोण बना हुआ है, जो बंद के बीच में जो कोण है उसका मान है 60 डिग्री। यह कोणीय तनाव अधिक होने के कारण यह अत्यधिक क्रियाशील होता है और वायु की उपस्थिति में यह आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के बाद ये P4O10 का श्वेत धूम देता है। इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को हमें ठंडे पानी में रखना होता है। फास्फोरस के इस गुण का उपयोग जादूगर जादू का खेल दिखाने में करते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिनों में वो क्या करते हैं, हमें आग लगा करके दिखाते हैं। लाल फास्फोरस, जब सफ़ेद फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 570 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म किया जाता है तो यह लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। इसका गलनांक व घनत्व सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में अधिक होता है। यह सफ़ेद फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है, अर्थात यह उसकी तरह आग नहीं पकड़ता है। यह गंधहीन, अविषैला तथा जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय है। यह अक्रिस्टलीय और बहुलकी संरचना वाला होता है। देखिए, लाल फास्फोरस की इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। यह एक बहुलक प्रकृति का होता है जिसमें ये एकलक संरचनाएं बार बार पुनरावृत्ति करके लाल फास्फोरस की एक बहुत बड़ी चैन बना लेती हैं। काला फास्फोरस, यह ऊष्मागतिकी रूप से फास्फोरस का सबसे स्थिर रूप है। काला फास्फोरस हमें दो रूपों में प्राप्त होता है जिन्हें अल्फा काला फास्फोरस तथा बीटा काला फास्फोरस भी कहते हैं। लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर एक सीलबंद नलिका में गर्म करने पर अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। जब इसे वायु में ऊर्ध्वपातित किया जाता है तथा इसके क्रिस्टलीय अपारदर्शी एकांताक्ष या त्रिसमांताक्ष क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, यह वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। बीटा काला फास्फोरस या बीटा ब्लैक फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर तथा उच्च दाब पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। यह वायु में 673 केल्विन ताप तक नहीं जलता है। फास्फोरस और उसके यौगिकों के उपयोग, सामान्यतः इनका उपयोग फास्फेटिक
फर्टिलाइजर बनाने में, खाद्य ग्रेड वाले फॉस्फेट बनाने में, डिटर्जेंट, फॉस्फेट और फार्मास्यूटिकल यानी दवा उद्योग में किया जाता है। फॉस्फोरस का उपयोग जल उद्योग में भी किया जाता है और यह कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाले ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिकों के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक सामग्री के रूप में भी कार्य करता है। अभी तक हमने अध्ययन किया कि जो हमारा नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सो एसिड था जो कि एक सर्वाधिक या प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है क्योंकि नाइट्रोजन उसमें अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होता है। हमने फॉस्फोरस तथा इसके अपर रूपों के बारे में भी अध्ययन किया। अब हम फॉस्फोरस के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का अध्ययन करेंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। फॉस्फीन, यह फॉस्फोरस का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। जब भी किसी कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया जल या तनु HCl से करवाते हैं तो फॉस्फीन गैस हमें प्राप्त होती है। प्रयोगशाला में बनाने के लिए सफ़ेद फॉस्फोरस की क्रिया सांद्र NaOH के साथ में CO2 के अक्रिय वातावरण में करवाई जाती है जिससे हमें फॉस्फीन प्राप्त हो जाती है। यह अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये फॉस्फोरस, यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अंक शून्य है जबकि फॉस्फोरस का PH3 में परिवर्तन हुआ है तथा यह NaH2PO2 में भी परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण भी हुआ है तथा अपचयन भी हुआ है अर्थात यह एक असमानुपातन अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है। शुद्ध अवस्था में यह अज्वलनशील होती है लेकिन P2H4 या P4 वाष्प की उपस्थिति के कारण यह ज्वलनशील हो जाती है। अशुद्धियों से इसे शुद्ध करने के लिए इसे HI में अवशोषित किया जाता है जिससे फॉस्फोनियम आयोडाइड PH4I बनता है जो KOH के साथ फॉस्फीन देता है। क्या होगा देखिए, इसको हम लोग क्या करवाएंगे, HI में अवशोषित करवाएंगे जिससे क्या बन जाएगा, PHI4 बन जाएगा। PHI4 की क्रिया जब KOH से करवा दी जाती है तो हमें फिर से PH3 प्राप्त हो जाती है। फॉस्फीन के गुणधर्म, यह एक रंगहीन सड़ी मछली के समान गंध देने वाली अत्यंत विषैली गैस है। यह HNO3, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे ऑक्सीकारकों की वाष्प की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोट कर देती है। यह जल में आंशिक रूप से विलय है। फॉस्फीन का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फॉस्फोरस तथा हाइड्रोजन गैस देता है। कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड विलयन द्वारा अवशोषित करने पर हमें इनके संगत फॉस्फाइड प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाने पर कॉपर का फॉस्फाइड बनेगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड से क्रिया करवाने पर मर्करी का फॉस्फाइड हमें प्राप्त होता है। फॉस्फीन एक दुर्बल क्षार है, अमोनिया एक प्रबल क्षार होती है लेकिन फॉस्फीन कैसा है, दुर्बल क्षार। यहाँ पर फॉस्फीन के ऊपर जो LP उपस्थित होता है यह आसानी से अपना LP किसी को डोनेट नहीं कर पाता है जिस कारण इसकी प्रकृति दुर्बल होती है। यह अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाती है जिन्हें फॉस्फोनियम लवण भी कहा जाता है। फॉस्फीन का उपयोग, फॉस्फीन का स्वतः स्फूर्त दहन का तकनीकी रूप से उपयोग होम्स सिग्नलों में किया जाता है। होम सिग्नल का उपयोग समुद्र के किनारे किनारे समुद्री जहाजों द्वारा भी किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड तथा कैल्शियम फॉस्फाइड के पात्रों को छेदित करके समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र में फेंकने पर वह जल के साथ क्रिया करते हैं जिससे गैसें उत्पन्न होती है और वह जलने लगती है जिससे कि आसपास के समुद्री जहाज या किसी नौका को सिग्नल प्राप्त हो जाता है कि वहाँ पर कोई खतरा है तथा वहाँ पर तुरंत मदद के लिए कोई भी पहुँचने के लिए तैयार हो जाता है। इसका उपयोग धूमपट जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्मोक स्क्रीन्स बनाने में भी किया जाता है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, PCl3 किस प्रकार से बनाया जाएगा, फॉस्फोरस की क्रिया
क्लोरीन की नियंत्रित मात्रा में करवाने पर हमें PCl3 प्राप्त होता है। जब फास्फोरस की क्रिया SOCl2 के साथ में करवाते हैं तो भी हमें PCl3 की प्राप्ति हो जाती है। इसकी आकृति पिरामिड की जैसी होती है जिसमें sp3 संकरण होता है। देखिए इसकी आकृति एक पिरामिड आकार की है। संकरण का प्रकार कौन सा है? इसमें sp3 संकरण है। पिरामिड के आकार की आकृति क्यों है? क्योंकि इसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तथा 3 बंद युग्म उपस्थित है। PCl3 के गुणधर्म। यह एक रंगहीन तेलीय द्रव है तथा नमी की उपस्थिति में तुरंत जल अपघटित हो जाता है। जल अपघटन होने पर यह H3PO3 बनाता है। यह OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करता है, जैसे अल्कोहल से क्रिया कर लेगा और एसिड से क्रिया कर सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करवाने पर यह CH3COCl बनाता है तथा अल्कोहल से क्रिया करवाने पर यह हेलो एल्कीन बनाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। PCl5 बनाने के लिए फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन के आधिक्य में करवाई जाती है। यदि क्लोरीन के नियंत्रित मात्रा में क्रिया करवाएंगे तो PCl3 बनता है, जबकि आधिक्य में क्रिया करवाने पर PCl5 की प्राप्ति होती है। फास्फोरस की क्रिया यदि SO2Cl2 के साथ में भी करवाई जाए तो भी हमें PCl5 की प्राप्ति हो जाती है। PCl5 एक हल्का पीत श्वेत पाउडर है तथा नम वायु में यह जल अपघटित होकर POCl3 देता है। अंततः फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए PCl5 जल से क्रिया करेगा, POCl3 बनाएगा, POCl3 फिर जल से क्रिया कर लेगा और किस में बदल जाएगा? H3PO4 में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर यह ऊर्ध्वपातित होता है, परंतु अधिक गर्म करने से यह वियोजित हो जाता है। जैसे कि PCl5 को अगर हम उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो यह PCl3 तथा क्लोरीन में परिवर्तित हो जाएगा। यह भी OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करता है, जैसे कि यह कार्बोक्सिलिक अम्लों से तथा अल्कोहल से क्रिया करेगा। अल्कोहल से क्रिया करने पर हमें संगत हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करवाने पर हमें CH3COCl प्राप्त होता है। सूक्ष्म विभाजित धातुएं PCl5 के साथ गर्म करने पर क्लोराइड बनाती हैं। जैसे पाउडर टिन या सिल्वर की क्रिया जब PCl5 के साथ करवाई जाती है तो सिल्वर के क्लोराइड तथा टिन के क्लोराइड हमें प्राप्त होते हैं। द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी संरचना त्रिसमंताक्ष द्विपिरामिडी होती है। इसमें 5 बंध उपस्थित होते हैं, फास्फोरस के साथ में 5 क्लोरीन जुड़ी होती है, 3 क्लोरीन एक त्रिभुजाकार आकृति में यहाँ उपस्थित है तथा 2 क्लोरीन इस त्रिभुज के एक ऊपर तथा एक नीचे में उपस्थित होती है। यहाँ हमारे पास में 2 तरह की बंद लंबाइयाँ हैं। एक बंद लंबाई है हमारे पास 202 पिकोमीटर तथा एक हमारे पास है 240 पिकोमीटर। यहाँ हमारे पास 5 बंद उपस्थित हैं, 3 बंद एक प्रकार की लंबाई के हैं तथा 2 बंद अन्य प्रकार की लंबाई के हैं। तीनों निरक्षीय आबंध समतुल्य हैं, यानी जो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट थे, जो तीनों के तीनों कैसे हैं, वो एक समान लंबाई के हैं। जबकि 2 अक्षीय आबंध जो निरक्षीय बंधों से जुड़े हैं उनकी लंबाई अलग है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि निरक्षीय आबंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह अक्षीय आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्मों से अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, जिस कारण बंद लंबाई उनकी अधिक होती है। यहाँ पर एक क्या है हमारे पास में? प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण के कारण यह ठोस अवस्था में PCl5 के रूप में उपस्थित नहीं होता है, यह केवल गैस या द्रव अवस्था में ही PCl5 के रूप में होता है। जबकि ठोस अवस्था में यह एक आयनिक ठोस के रूप में उपस्थित होता है। इस आयनिक ठोस में 2 प्रकार की इकाइयाँ PCl4+ तथा PCl6- उपस्थित होती हैं। PCl4+ चतुष्फलकीय आकृति का होता है, जबकि PCl6-
अष्टफलकीय आकृति का होता है, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। जिस प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स हमने देखे थे, ठीक उसी प्रकार हमारे पास फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल उपस्थित होते हैं। इनमें भी OH समूह सीधा फास्फोरस के साथ में जुड़ा होता है। क्या होगा इसमें कि फास्फोरस के जो परमाणु हैं वो चतुष्फलकीय रूप से इनसे घिरे होते हैं। इन अम्लों में कम से कम एक पी डबल बॉन्ड ओ बंद उपस्थित होता है तथा एक हमारे पास में पी ओ एच बंद उपस्थित होता है। उन ऑक्सो अम्लों में जिनमें फास्फोरस की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +5 से कम होती है, उनमें क्या तो हमारे पास एक पी पी बंद उपस्थित होगा या हमारे पास वहाँ पर एक पी एच बंद उपस्थित हो सकता है, परंतु ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। अर्थात क्या तो वहाँ पी पी बंद मिलेगा या हमें पी एच बंद ही मिलेगा। फास्फोरस की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें असमानुपाती अभिक्रियाएं होती है, अर्थात वह ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों में परिवर्तित होते हैं। एक ही अणु का ऑक्सीकरण भी होता है तथा अपचयन भी होता है। देखिए जैसे इस उदाहरण में यहाँ हमारे पास फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 है। H3PO4 जब वह बनता है तो यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था इस केस में +5 हो गई है। +3 से +5 हो जाना बढ़ गई है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। जबकि इस केस में क्या है, जब PH3 बनता है तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -3। तो +3 से -3 हो जाना यानी ऑक्सीकरण अंक में कमी आई है, अर्थात अपचयन हुआ है। H3PO3 अणु का ऑक्सीकरण भी हुआ है तथा अपचयन भी हुआ है, अतः यह एक असमानुपातित अभिक्रिया है। अब यहाँ देखिए फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्ल, जैसे प्रथम है हमारे पास हाइपोफास्फोरस अम्ल जिसे H3PO2 कहा जाता है। इसमें देखिए कम से कम एक पी डबल बॉन्ड ओ बंद है तथा एक हमारे पास पी ओ एच बंद उपस्थित है। बाकी हमारे पास देखिए यह पी एच बंद है, पी एच बंद है। अगला है हमारे पास ऑर्थोफास्फोरस अम्ल H3PO3, हमारे पास पी डबल बॉन्ड ओ एक बंद उपस्थित है, बाकी के हमारे पास क्या है, पी ओ एच पी ओ एच तथा ये एक पी एच बंद उपस्थित है। अगला है हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। देखिए दोनों में फर्क क्या है, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस और इसका नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +5 है, जबकि यहाँ पर हमारे पास में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था का मान कितना है, +3 है। जब भी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित होती हैं तो हम एक सफिक्स यूज करते हैं जिसे कहते हैं इक, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोरिक। और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होने पर हम सफिक्स यूज करेंगे अस, इसलिए इसका नाम है फॉस्फोरस, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था निम्न है। अब इन तीन उदाहरणों में देखिए H+ आयन देता है कोई, H+ आयन देगा तो वो क्या होगा, अम्ल कहलाएगा। उसे हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं उसकी बेसिसिटी या फिर क्षारीयता। यहाँ H3PO4 हमें कितने H+ आयन दे सकता है, 1, 2 और 3 H+ आयन दे सकता है, अतः इसकी बेसिसिटी 3 है। जबकि ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल सिर्फ हमें 2 ही H+ आयन दे सकता है, अतः इसकी बेसिसिटी कितनी है हमारे पास में, 2। जबकि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल हमें सिर्फ एक ही H+ आयन दे सकता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन सीधे फॉस्फोरस से जुड़े हैं और विद्युत ऋणताओं में अंतर कम होने के कारण यह वाला बंध सहसंयोजक प्रकृति का होता है। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7, देखिए यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है तथा POH बंद उपस्थित है। दो फॉस्फोरस अणु परस्पर एक ऑक्सीजन अणु की सहायता से जुड़े हुए हैं। पायरोफॉस्फोरस अम्ल, इसमें क्या है, दो फॉस्फोरस के परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु की सहायता से जुड़े हुए होते हैं तथा फॉस्फोरस का परमाणु OH के साथ बंध बनाए रखते हैं। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल H PO3 होल थ्राइस, यहाँ पर
HPO3 की तीन इकाइयां चक्रीय रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती हैं, जबकि पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल में क्या होता है, HPO3 की इकाइयां एक पॉलीमर के रूप में, एक बहुलक के रूप में उपस्थित होती हैं। आज हमने चर्चा की नाइट्रोजन के एक अति महत्वपूर्ण ऑक्सी एसिड नाइट्रिक अम्ल के बारे में। हमने देखा कि नाइट्रिक अम्ल जब किसी के साथ क्रिया करता है तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पर, क्रिया करने वाले पदार्थ की प्रकृति पर तथा ताप पर। हमने देखा कि फॉस्फोरस हमें कैसे प्राप्त होता है, फॉस्फोरस के उपयोग हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉस्फोरस के विभिन्न यौगिक जैसे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड तथा फॉस्फीन, ये कैसे बनाए जाते हैं तथा इनके गुणधर्म व उपयोग क्या है। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की चर्चा में हमने देखा कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में हमारे पास एक पी डबल बॉन्ड ओ बंद उपस्थित होता है तथा एक हमारे पास में वहाँ पर POH बंद उपस्थित होता है। यदि फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था का मान +5 से कम होता है तो वहाँ पर क्या तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस बंद उपस्थित होता है या हमारे पास में फॉस्फोरस हाइड्रोजन बंद उपस्थित होता है। इस पाठ के शेष बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।